नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ में एक स्लीव डिज़ाइन लेकर के आ गई हूँ। तो उसके लिए मेन कपड़ा ले लेना है, तो कपड़ा मैं यहाँ पर ले ली हूँ। इसकी जो चौड़ाई है, पहले मैं बाजू की कटिंग कर ली हूँ एक पेपर पे। तो ये पेपर पे जितना बाजू रखना है, एकदम परफेक्ट बाजू की कटिंग कर लेनी है, उसी से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बाजू की कटिंग है उससे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, 6 इंच डबल में फोल्ड करके 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि 6 इंच ज़्यादा हम लेंगे। तो डबल में फोल्ड है तो ये 12 इंच हो जाएगा। आप चाहें तो 5 इंच में भी, यानी कि 10 इंच भी एक्स्ट्रा लेकर के बना सकते हैं। और इसको सीधे से कट कर लेंगे। और देखिए चौड़ाई जो इसकी है बाजू की, उसमें हम 2 इंच जो बाजू की कटिंग है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो इस तरीके से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेती हूँ। इस निशान को सीधा मिला करके और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से एक सीधा लाइन खींचेंगे और उसी लाइन पे हम कट कर लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब कपड़ों को सीधा कर लेंगे, कपड़ा का सीधा करके, और उसके बाद बॉटम के साइड हम लगाएंगे 2 इंच पे निशान। अभी बाजू की शेप की कटिंग नहीं करनी है, पहले डिजाइन बनाएंगे उसके बाद बाजू की शेप की कटिंग करेंगे। ये भी इस निशान को भी हम सीधा करके मिला लेंगे और अब इस पर सिलाई चलाएंगे। जो हम 2 इंच पे निशान लगाए हैं उसी को कपड़े को फोल्ड करके और इस तरीके से पक्की वाली एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से बारीक वाली सिलाई लगा करके इसको मोड़ लेंगे। ये बॉटम के साइड का ही है, इसी पे डिजाइन बनेगा, तो पहले इसको मोड़ लेंगे हम। अभी अच्छे से मुड़ चुका है, तो जो पेपर पे हम बाजू की कटिंग किए हैं उसको रख करके और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है दोनों तरफ। इसमें प्लेट भरने हैं, तो ये देखिए निशान लग चुका है। अब इसमें हम प्लेट भरेंगे और ये बहुत ही सुंदर बाजू का डिजाइन बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे इसमें। इसमें ज़्यादा छोटे छोटे प्लेट नहीं पड़ेंगे, थोड़े से बड़े साइज का प्लेट पड़ेगा। और एक बार और मिला लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक एक प्लेट और भर लेंगे इसमें दोनों साइड से। और अब इसी तरीके से इसके दूसरे तरफ भी हम प्लेट भर लेंगे। जिधर के साइड से प्लेट भरे हैं उधर से ही भरना है, उल्टा प्लेट नहीं भरेंगे, इस बात का ध्यान दें, नहीं तो पूरी की पूरी डिजाइन जो है वो बिगड़ जाएगी। और इस तरीके से आराम आराम से कपड़े को पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे में प्लेट जो है वो डल गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और भी इसको और भी सुंदर दिखने के लिए यहाँ पर मैं लैस लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा चौड़े वाले भी लेस लगा सकते हैं, मैं पतला वाला लगा रही हूँ। तो जो फिटिंग का निशान है वहीं से हम फिटिंग के हिसाब से ही लेस लगा देंगे। तो इस तरीके से आराम से लेस लगा लेंगे मिलाते हुए सीधी पट्टी पे, और लेस के दूसरे तरफ भी सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, और किसी भी ड्रेस में आप लगा सकते हैं, सूट में, कुर्ती में, ब्लाउज में, फ्रॉक में, किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये देखिए लैस जो है वो अटैच हो चुकी है इसमें। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो पेपर काट करके रखा हुआ वही पेपर को रखना है, इस पर अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और इस पर निशान लगा लेंगे। जितना बाजू की लंबाई और चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से पेपर की कटिंग कर ले पहले। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं जितना पेपर है उसी हिसाब से मैं बाजू रख करके कट कर रही हूँ। और अब जहाँ से निशान लगा है उसी पे हमें सिलाई लगा करके इसको पक्का कर लेना है। प्लेट्स को सेट करते हुए निशान सिलाई लगाएंगे, अच्छे से रुक रुक करके ही सिलाई लगाएं ताकि प्लेट जो है वो इधर उधर ना हो और कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी तैयार करना है, मगर मैं एक ही बाजू पे बना करके आप लोगों को दिखाई हूँ। तो जो बाजू है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बस स्लीव में जो भी ड्रेस है उसमें अटैच कर लीजिए और
काफ़ी ज़्यादा सुंदर बाजू जो है वो बन करके तैयार हो गया है, कम समय में बन जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।